कॉमर्स के स्टूडेंट्स ना थोड़ा सा डर जाते हैं मैथ्स बोला तो, मैथ्स के लिए बात करो इसलिए बोला चाहो ना, नहीं डर, और उसकी वजह से आप कई बार करियर अपॉर्चुनिटीज भी चूज करते समय सोच लो, ठीक है। सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स है, लेकिन यहाँ से जो आपका एटीट्यूड बन जाता है लाइफ में, जो डरना है वो डरना नहीं किसी भी चीज से, हमें हर चीज आती है हमारे हिसाब से, बनाया गया है सिलेबस है, एवरीथिंग वी कैन अटेंड, बस एक छोटी सी चीज करना है हमें, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्सेंट्रेट होना बहुत जरूरी है। हमेशा से मैं आपको लेक्चर्स में हर बार मेरा एक कहना हमेशा आप याद रखते हो, मैं बोलते रहता हूँ बार बार, इसलिए बोलते रहता हूँ हर बार एक बार बोल रहा हूँ मैं, पर चलो ना आप लोग खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख लो, सबसे इंपॉर्टेंट। पढ़ाई के समय में पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, ग्राउंड पर खेल रहा हूँ तो मैं खेलने में ध्यान दूंगा, पेरेंट्स के साथ मूवी देख रहा हूँ, घर पे डिनर कर रहा हूँ तो मैं उस समय को हर मोमेंट को उस हिसाब से कैपिटलाइज एंजॉय करना चाहिए, राइट और रॉन्ग, पेरेंट्स सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, बट चलो ये चीज ना आप करना सीख। दूसरी बड़ी बात, पेरेंट्स सही में बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है अटेंडेंस के लिए, सर ने बोल ही दिया मैं, लेकिन बार बार बोलना चाहूंगा, मैं बहुत त्रस्त हूँ इस चीज को, सबसे ज्यादा त्रस्त तो मैं ही रहता हूँ, बच्चा एक लेक्चर मिस कर देता है अगले लेक्चर में उसको कुछ नहीं समझ आता है, सर डेफिनेटली सर वो जो अपना गाड़ी का ब्रांड है BMW वो हर बच्चे के चेहरे पे दिखता है, बेसिक में मानते रहते हैं सबके लिए। सो द थिंग इज व्हाट, पेरेंट्स एक रिक्वेस्ट है आप इन सब चीजों पे ध्यान दो, और बच्चा लोग तुम लोग कॉमर्स कर रहे हैं, नंबर से खेलना है, नंबर से साथ खेलना है जिंदगी में, यहाँ से आगे हर चीज डिपेंड इसी पे करेगी, यहाँ पर नहीं है, आपको प्रोफेशनल डिग्रीज में भी इस चीज पे फोकस करना है। बाकी रेस्ट अभी जो भी डाउट्स है डिफिकल्टीज है टेस्ट सीरीज वगैरह आपको रेगुलर देना, बाकी दीपेश सर अभी तेरे बारे में बात करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबके ज्यादा सबसे ज्यादा तो आवाज मेरा ही आ रहा है यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखिए बेसिकली कॉमर्स के अंदर ना एक मिथ बना के रखा हुआ है ना, यहाँ पे दो लेजेंड लोग बैठे हुए उनके सामने एक तो बोलना थोड़ा सा घबराहट होती है, और दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले हैं है ना, और अगर कोई भी स्टूडेंट को मैं पूछूं कि अकाउंट मतलब कॉमर्स के अंदर में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, तो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स वाले हाथ ऊपर कर लो बेटा, कर लो मैथ्स वाले, अब ईमानदारी से थ्योरी इसको पसंद है, अच्छा मतलब मैं पूछ रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ना, ठीक है, अच्छा बोरिंग किसके लोगों को लगता है, देखो देखो सबसे बड़ा मिथ ये है कॉमर्स के अंदर में कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है ये बोरिंग है, सबसे पहला है ना, बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इसलिए इंटरेस्ट आता क्योंकि सॉल्विंग होता, बट तुम समझ नहीं पाए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कभी थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल है, इकोनॉमिक्स ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, नहीं सीरियसली बता रहा हूँ कि लाइफ में दो सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे, अकाउंट तो करेगा ही साथ में इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना दोस्तों, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको कि आप अगर उसको पढ़ोगे, अगर आप उसके रीजन जानना चाहोगे कि ये चीज ऐसी क्यों है, तो अभी जो कंट्री के अंदर में इतने सारे इवेंट्स होते हैं ना इकोनॉमिक, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि एक्चुअल में इसके पीछे रीजन क्या है। जितने भी बच्चे अभी वैसे पढ़ रहे हैं तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि इसको लर्न नहीं कर पाऊँ, देखो लर्न करना आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन शामिल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप यूट्यूब से सब कुछ सीख सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ पे लर्न नहीं करना, उसका रीजन जानना है कि इसके पीछे होता क्यों है, ये चीज ऐसी क्यों है, जब जिस दिन आप ये चीज समझ गए ऑटोमेटिकली उसके अंदर में इंटरेस्ट जनरेट होता है, इंटरेस्ट कभी भी सब्जेक्ट में होता नहीं, उसको जनरेट करना पड़ता है, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते ना डिमांड होती नहीं है, डिमांड क्रिएट करना पड़ता है ना, तो सब्जेक्ट के अंदर में अपने को इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, और मैं ऑनेस्टली सर मैं ट्राई करता हूँ मेरे लेक्चर्स को थोड़ा क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट बोरिंग लगता है कि एंटरटेनिंग वे में सारी चीजें याद करवाऊं, और जैसे कि सर ने बताया मैं भी आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलर लेक्चर करो है ना, तो मेरे भी सब्जेक्ट में आप 90+ आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको क्लास का पैटर्न बता दो स्पेशली मैं पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि रिपीट होती चीजें, रिपीट इसलिए होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर कल अब्सेंट है तो सीरियल जैसे होती है उसी तरीके से लेक्चर चलता है कि पहले 10-15 मिनट्स हम रिकैप करते हैं, रिकैप मींस रिवीजन करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं और उसके बाद में फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर से रिवीजन करते हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं है ना,
ये चीजें मेनली, और जो चीजें मेरे नोटिस में ही आज बता रहा हूँ जो आप फ्यूचर में इस पर प्लीज ध्यान देना, टेस्ट सीरीज कभी मिस मत करना, टेस्ट सीरीज बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आप लर्न करते हो बट यू डोंट नो हाउ टू राइट द आंसर। थ्योरी के अंदर में लर्न सब है ना, अभी भी अगर आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए जितना पढ़ाया आंसर इनको पूछूंगा नहीं है दे देंगे, बट इनको पेपर और पेन दे दूंगा कहूंगा लिखो, तो हार्डली एक पैराग्राफ के ऊपर में लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो बेसिक चीज इज राइटिंग, तो इसके लिए अपने जो क्लास के टेस्ट सीरीज होते हैं या फिर आपके कॉलेज के एग्जाम टेस्ट सारे, इसको जरूर अटेंड करना। और जैसे सर ने बोला 0 marks मिला चलेगा, वी आर ऑलवेज देयर, अगर कोई भी मिस्टेक हो रहा है ना आप आओ। और ये हम सारे फैकल्टी ने ऑब्जर्व किया कि आज तक सर आपके पास में ये केस हुआ कि नहीं पता नहीं, मेरे पास आज तक एक भी स्टूडेंट नहीं आया है कि सर मेरे मार्क्स कहाँ कटे। हाँ झगड़ने के लिए जरूर आएगा कि उसको 2 marks दिया मेरे को 1.5 marks दिया मेरा आधा किधर गया, ठीक है सिर्फ इतने ही आएगा, बट ये नहीं कि सर मैं इंप्रूवमेंट क्या करूं। हम वहीं पर बैठे हुए बेटा, आप लोगों के लिए ही है जो कॉमर्स के अंदर में, मतलब सर का तो लीगेसी चलते आ रहा है 100 on 100 का, ठीक है हम भी ट्राई कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने का, और क्योंकि हम हर साल कुछ ना कुछ नया सीखते हैं आप लोगों से कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है, हम बच्चों को कैसे बेटर दे पाए। तो वो चीजें में मेरे ये ऑब्जर्वेशन में आया कि बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, राइटिंग इनका सबसे बड़ा डर है थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर में, तो टेस्ट सीरीज जरूर देना बेटा, है ना, जब भी रहे। और रेगुलर अटेंडेंस रखो, बाकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आपकी, आपको जितने मार्क्स चाहिए मैं आज ओपनली ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे हर पेरेंट्स से, और आप अपने स्टूडेंट के साथ में आए हो, आपके स्टूडेंट को कितने मार्क्स स्कोर करने थ्योरी में, मतलब आपको पता है कि मैं कहां तक जा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सर 100 on 100 नहीं, ठीक है। तो आपको चैलेंज लेके रहो, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना पूरा 100% दूंगा उसको अचीव करने के अंदर, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट को देखो, क्योंकि मेरा थ्योरी में थ्योरी की बात करूंगा, तो थ्योरी के अंदर में आप देखो तो 90+ स्कोर करना, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स है आप जानते हो कॉमर्स के अंदर में 90+ लाना इज एन अचीवमेंट, और उसमें थ्योरी। और जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं सीए फाउंडेशन पास आउट या फिर अभी जो 12th वाले, हमने 12th का जब रिजल्ट देखा था 30+ स्टूडेंट है जिनको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के अंदर में थ्योरी के 90+, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं चेंज हो रही है चीजें, जो बच्चों के मेन था कि थ्योरी बोरिंग है, थ्योरी पढ़ने में मजा नहीं आता है, तो ये सबसे बड़ा उसका जो मतलब प्लस पॉइंट है। राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा सर, सारी चीजें हो जाएगी, क्लास रेगुलर करो आपको चीजें हो जाएगी। और मैं यहाँ पे अभी राधिका मैम को इन्वाइट करूंगा, आपको थोड़ा सीए फाउंडेशन के लिए मैम गाइड करेंगे यहाँ पे, है ना।